अगला भाई साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले ये होता था शायद, कुछ मैंने जैसा कि सुना है जी, कि अभूर लाइन में अगर सिट्टा है तो कोई अभूर लाइन होगी, कुछ ही ऐसा था जी जी। तो उसके बारे में क्या है, यानी कि ऐसा है कि वो जो घोड़ा था ना अभूर लाइन, जो अभूर वालों के पास घोड़ा था नुकरा, हाँ हाँ, उसके खुद के सिट्टा था। अच्छा अच्छा, घोड़े के जो मेन घोड़ा था, मेन घोड़ा था उसके नीचे सिट्टा था, गोम की भौरी, मतलब उसके सिट्टा था। ओके, इसमें भी दो चीज आती है। ओके, एक तो गोम की भौरी होती है जहाँ हम तंग लगाते हैं घोड़े का, जब जीन लगाते हैं तो तंग कसते हैं। ओके, जो तो बिल्कुल तंग के नीचे भौरी आ जाती है उसको तो बोलते हैं गोम। गोम, और जो पीछे उसके मतलब भौरी चली जाती है और लंबी हो जाती है उसको बोलते हैं गंगा पार। अच्छा अच्छा, उसको गंगा पाट बोलते हैं, उसको सिट्टा भी बोल देते हैं। ओके, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका नाम है। ओके, तो वो उस घोड़े के थी। ओके, वो पहले तो लोग उसका मतलब वो तो उस टाइम उसका स्टेट सिंबल बन गया था कि अगर जिस बच्चे के वो भौरी होगी वो भौर वाले का ही होगा। अच्छा, सिट्टा होगा, सिट्टा होगा। अच्छा, भौरी नहीं आती थी, गोम नहीं होती थी, वो सिट्टा होता था। अच्छा अच्छा, तो सिट्टा फिर मतलब जो भी बच्चा उसका आता था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था टोटल पंजाब की घोड़ी उस घोड़े से मेट हुई। ओके, क्योंकि वो नामची घोड़ा था उस टाइम, सबसे टॉप घोड़ा था, बच्चे भी टॉप आते थे, तो उसके तकरीबन 99% बच्चों के सिट्टा आता था। आता था, आता था। ओके, तो फिर वो पहले मतलब ऐसा है भी जो चीज ऐसे तो जिसके गलत भौरी होती है दगाड़ा होता है मत्थे में, मैंडा सिंगी भी बोलते हैं उसको, दो भौरी भी बोलते हैं, कुछ कई कई स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो वो भी बिकते हैं, ऐसा नहीं होता। okay. कोई लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, बिहार में कुछ एरिया है मैडा सिंगी को बहुत अच्छा मानते हैं, हमारे दुगाड़े वाले को अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस ढंग से अलग अलग स्टेट का जो सिस्टम होता है, वो गंगा पार भौरी जिसको हम सिट्टा बोलते हैं, वो गोम अलग होती है, सिट्टा अलग होता है। ओके, इसलिए वो उस घोड़े के थी, उसके बच्चों के भी आते। तो आज आप घोड़े का अगर सिट्टा होता है तो फिर आज क्यों हिजकते हैं घोड़ा लेने में? वो ऐसा है कि वो तो देखो आज की बात ऐसी है, सिट्टा होता है जो वो आज भी चलता है। अच्छा, जिनको नॉलेज है वो आज भी चलता है। ओके, भौरी जो नीचे वाली गोम की भौरी होती है, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जो गलत भौरी होती है ना, वो अगर तुम 1000 घोड़ा घोड़ी देखोगे तो उसमें एक में आती है गलत भौरी। गलत भौरी जैसे ये तंग भौरी, ओके, दगाड़ा। तंग भौरी का क्या मतलब रहता है? तंग भौरी को गोम बोलते हैं, बिल्कुल गोल भौरी होती है, तंग जहाँ हम तंग कसते हैं ना, जीन कसते हैं, बिल्कुल उसके नीचे आती है। ओके, उसको तंग भौरी बोलते हैं। ओके, वो कहते हैं कि जहाँ वो रहेगा वो तंग ही रहेगा, आदमी परेशान ही रहेगा, परेशान रहेगा उसका मालिक। अच्छा अच्छा, ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। ओके, ये तेरी मेरे कहने की बात नहीं है। ओके, तो वो अगर आप 1000 घोड़ा देखोगे तो उसमें किसी एक में पाएगी। अच्छा अच्छा, इसी तरह दुगाड़ा, उसको दुगाड़ा बोलते हैं, दो भौरी बराबर होनी चाहिए और अंगूठे के नीचे आ जानी चाहिए आधे इंच तक। ओके, उसको दुगाड़ा बोलते हैं। अगर वो अंगूठे से बाहर निकल जाती है नाखून से, इतने अंगूठे से, तो वो भी दुगाड़ा नहीं माना जाता, फिर वो दोगड़ हो जाती है। ओके, इसी ढंग से ये छतर भांग होती है ऊपर, वो भी 1000 घोड़ों में किसी एक में पाई जाती है। ओके, ये ऐप वाली जो भौरी होती है वो हर घोड़े में नहीं आती है, कोई 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 आता है, कुदरत की देन है ये तो, खुद यानी कि ऊपर वाले की देन है, किसी में पैदा होता है, पैदा हो जाता है। तो वैसे कि आपके हिसाब से जैसे कि अगर माना जाए तो जैसे कि नुकरा हुआ जी, मारवाड़ी हुआ जी, ये नीला चंबा, ये सब कुछ हुए, सब तो इनमें सबसे मजबूत जानवर की अगर बात करें तो कौन सा है सबसे मजबूत जानवर? ऐसा है जी, जी अगर घोड़े की मजबूती की बात करें, मजबूती उसे काम लेने की, उसे वर्क लेने की, उससे चढ़ने की, तो फर्स्ट नंबर जो अपने हिंदुस्तान की ब्रीड है उसमें सिंधी सबसे स्ट्रांग माना जाता है। सिंधी, सिंधी घोड़ा। ओके, जो कच्छ गुजरात का है, सिंध का एरिया, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में। ओके, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, और दूसरे नंबर पे नुकरा। नुकरा, अब लोग कह देते हैं कि नुकरा रंग व्हाइट कलर है, ये कमजोर होता है, मैं नहीं मानता इसको कि कमजोर होता है। ओके, काला घोड़ा घोड़ी मारवाड़ी कभी भी आपने बग्गी में चलती हुई नहीं देखी होगी। हाँ, ये तो मैंने 20-20 साल घोड़े खुद के बेची हुई घोड़ियां हमने दिल्ली बग्गी में चलती हुई देखी है, तो वो कैसे मजबूत नहीं हुई? बहुत मजबूत होती है। Okay. वो तो आपके काम लेने के ऊपर, उनको डाइट देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका पालन पोषण कैसा खिला क्या रहे हो। हाँ, बाकी हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। Okay. वो तो पहले है। तो आपके टाइम पे यानी कि आप घोड़े को क्या क्या खिलाया करते थे जिससे इतनी मजबूती रहा करती थी घोड़े? ऐसे है भी, जो तो हम मतलब घर के लिए सान घोड़े रखते थे, जैसे मैंने 2-3 सान घोड़े रखे हैं। अच्छा अच्छा, जिंदगी में एक घोड़ा मेरा बड़ा मशहूर हुआ है,
वो भी भानेवाली घोड़े की लाइन का था, आज भी हरजीत के नाम पे उसका बच्चों का आज भी नाम चलता है। अच्छा अच्छा। मैंने वो बेच दिया था हमारे पड़ोस में, यहाँ उसने वहाँ से जाके उसकी मौत हो गई थी। ओके। तो हम तो ऐसा है, शान जो घोड़े रखते हैं मीटिंग के लिए उनके लिए अलग डाइट होती है। ओके। जो बच्चे लेने वाली घोड़ियाँ उनके लिए अलग डाइट होती है, जो चढ़ने वाले घोड़े हैं वो तो स्पोर्ट्स लाइन में आ गए उनके लिए अलग अलग डाइट होती है। ओके। अलग अलग डाइट होती है, जैसे घोड़ियाँ हैं उनको साल में एक दो बार थोड़ा मतलब घी वगैरह तेल वगैरह भी देना चाहिए जो बच्चे दे रही है घोड़ियाँ। ओके। जो सन घोड़े हैं उनके लिए तो बहुत लंबी खुराक होती है, उनको उर्द डालने चाहिए, चने डालने चाहिए जो उनका सीमन स्ट्रांग हो, और बहुत जड़ी बूटियां होती हैं जो सान घोड़े को देनी। तो जैसे अगर हम बात करें कि बच्चे की, जैसे मान के चलो मैंने 3-4 महीने का बच्चा ले लिया जी, अब सुबह से शाम तक उसका क्या डाइट प्लान रखूं मैं? ऐसे यदि हमारा तो शुरू से ही ये किया हुआ है भी दिन के रात के टाइम घोड़े को दाना डालो, रात के टाइम पे जी। ओके। सुबह दिन में मत डालो, डालना और रात के टाइम घोड़े को डालो, रात को घोड़ा दाना खाए। ओके। और सुबह के टाइम जो भी आप उसने उसको खिलाते हो, जैसे भूसा खिलाते हो, आप उसको कोई नीरा खिलाते हो, आप उसको कोई हरा खिलाते हो, ओके, उसको दिन में करो। ओके। बाकी जितनी देर बच्चा माँ का दूध पीता है उतनी देर तो उसकी कोई डाइट नहीं खास होती। अच्छा, तो माँ अच्छा। के साथ थोड़ा मोड़ा खाता है। जब अपन ले आते हैं एक बच्चे को कम से कम 5 महीने तक दूध जरूर पिलाना चाहिए माँ का। 5 महीने तक? कम से कम 5 महीने। ओके। क्योंकि घोड़ी जो उसकी माँ के का दूध 5 महीने बच्चा पीता है उसके बाद वो जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब उसकी हाइट अच्छी बढ़ जाती है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर घोड़ी को हम बकरी का दूध पिला सकते हैं क्या, भेड़ का दूध पिला सकते हैं क्या जी? तो क्या पिला सकते हैं बकरी और भेड़ का दूध? तो जी देखो लोगों की एक चलन है, बकरी का दूध उन घोड़ों को पिलाया जाता है जिनका लीवर खत्म हो जाता है। अच्छा, बकरी का दूध? अच्छा, लीवर खत्म हो जाता है। कई बार घोड़ों के लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, उनके दर्द बंद नहीं होता, दर्द टिक जाता है घोड़ों। तो घोड़ों में भी लीवर वगैरह होते हैं क्या? बिल्कुल, लीवर प्रॉब्लम आ जाती है घोड़ों में। क्या यानी कि कैसी प्रॉब्लम आ जाती है, किस टाइप से? उनको उनका खाया पिया पचता नहीं। अच्छा। शरीर नहीं बढ़ता उनका। ओके। कितनी खुराक खिलाओ खाते नहीं है। ओके। उनको दस्त लग जाते हैं, जड़ी के लूज मोशन हो जाते हैं, वो हो गया ठीक है। जब उनको बंद लग जाते हैं, पेट दर्द हो जाता है, वो अंदर उनके लीद जो होती है उनका जो मल है वो अंदर फंस जाता है। ओके। तो उसके लिए जो बकरी का योग है वो ये चीज है कि कोई भी जो हम पशुओं का दूध पीते हैं, वैसे तो हम जो चीज खिलाते हैं वो दूध में आता है। ओके। लेकिन बकरी के अंदर एक कुदरत ने ऐसी चीज दी है कि जो चीज तुम उसको खिलाओगे नेट 10 घंटे के बाद वही चीज उल्टा वो अपने को दूध के रूप में वापस दे देती है। ओके। तो जो बीमार घोड़े होते थे उनको सीधा घोड़ा वो खा नहीं सकता था, उसको दवाई पचती नहीं थी, कोई हम मेडिसिन देते हैं तो वो पचा नहीं पाता जब उसका लीवर डैमेज हो जाता है। ओके। आदमियों में भी ऐसा है, आजकल लीवर की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो चीज बकरी को खिला के, बकरी का दूध उसको पिलाया जाए तो वो कवर कर जाता है। ओके। तो यानी कि अगर घोड़े का अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बकरी का दूध पिला दे, तो बकरी का दूध पिलाया जाए, उसको समान खिलाया जाता है साथ में, जैसे मेथे होते हैं, मेथी। अच्छा, होती है। अच्छा। वो खिलाया जाता है, माल कंगनी होती है, पनीर रोटी होती है, सौंफ होती है, ये 5-6 चीज बकरी को खिलाते हैं और उसका दूध घोड़े को पिलाते हैं तो वो बहुत दिनों में तैयार हो जाता है, तो उसका लीवर सही हो जाता है। बिल्कुल 100% लीवर सही होगा, आदमी का भी और घोड़े का भी। अच्छा। हमारा तजर्बा किया हुआ, ये मेरे पिताजी है, इनकी TLC DLC लीवर का ये प्रॉब्लम नहीं सही होती थी। अच्छा अच्छा। तो बकरी हमने घर में ले आके इनको 1 महीना दूध पिलाया और ये बैठे हैं आपके सामने, लीवर वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है। कभी जिंदगी में उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, अगर घोड़े में कभी सीखा है घूम फिर के। अच्छा। कभी भी अगर घोड़े में लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो बकरी पकड़ लो सबसे पहले। बकरी पकड़ो, बकरी को ये 5 चीज खिलाओ और घोड़े को दूध पिलाओ। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन में क्या सही हो जाता है? 1 महीने में टनाटन हो जाता है घोड़ा। 1 महीने में? हाँ, 1 महीने में आदमी टनाटन हो जाता है, कितना ही लीवर फेल हो उसका। और ये घोड़े में एक सूपाकन की बीमारी हो जाती है, सूख जाते हैं घोड़े। जैसे मैंने बहुत सारी मंडियों में जाते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं तो उसमें देखता हूँ मैं, भाई ये घोड़ा सूख कैसे रहा है यार, ऐसे ही सूख रहा है। तो कैसे सूख जाता है? जैसे हड्डियाँ चमकने लग जाती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लीवर की प्रॉब्लम। पिया लगता नहीं, ओके, पचता नहीं, वो अपने उसका जो खाता है उससे उसका खून ब्लड नहीं बन पाता। ओके। वो यही इसको ठीक करने में आता है। बाकी दूसरी जो हमारे लोगों में ये एक गलत धारणा है कि आप कभी दूध घोड़ी का दूध लेके उसकी फैट निकाल के देखना, वो भैंस से भी ज्यादा फैट होती है उसमें। अच्छा अच्छा, घोड़ी के दूध में? हाँ जी। ओके। तो दूध अगर तुम शौक से पिला सकते हो तो किसी भी चीज का पिलाओ। ओके। घोड़े को वो कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके। पिलाओ, अगर आपको आपका घोड़ा आदमी के दिल से जुड़ा होता है, कुछ भी पिलाओ उसको, तो अपने इंसान के, वो शेर खान था,
हाजी साहब पठान, वो उसने कभी उसको गुलजार घोड़ा हमने खरीद के दिया था मैंने और लच्छू ने राजस्थान से, उसने उसको पानी नहीं पिलाया। अच्छा अच्छा। पहले 6 महीने जब भी पिलाया दूध पिलाया, जब भी पिलाया दूध पिलाया 6 महीने। उसने वादा किया था मेरे साथ, बोला अरजीत इसको 6 महीने में दूध पानी नहीं पिलाऊंगा, इतनी सेवा करूंगा। ओके। तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता जी। तो जैसे कि आपने रिवाल चाल के भी जैसे कि घोड़े वगैरह दौड़ाए कभी रेसिंग वगैरह में? जी, बहुत रेसिंग करी, बहुत अच्छे घोड़े लेके आए, मेरे को शौक था शुरू दिन से। अच्छा, तो आप रिवाल चाल वगैरह भी सिखाते थे? सर अभी रिवाल चाल मैं खुद भी सिखाता हूँ, चढ़ता हूँ। ओके। और एक चीज ये और बताओ, जैसे आजकल घोड़ों को डांस वगैरह बहुत कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये घोड़ा नाचने के लिए थोड़ी बनाया है, घोड़ा तो देव रूप है, इसको नचाना नहीं चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या मानते हो कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, या घोड़ा नाचने के लिए बना है या नहीं बना है, क्या है? यानी ऐसी बात नहीं है, घोड़ा नाचने के लिए बना है, बना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक ये आजकल एक टॉपिक चलता है कि घोड़े के पेट जो लगाम है वो नहीं चलाना चाहिए, ये गलत धारणा है। अच्छा। लेकिन इतना होना चाहिए कि इंसान के अंदर, मालिक के अंदर, सवार के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ओके। तो ये ना हो कि उसके झटके मार मार के उसका मुंह फाड़ दो। जैसे कि डांस में ऐसे होता है, मैंने देखा है, मैं रिसेंटली एक मेले में गया था, उसमें घोड़े को इतना नचा रहे थे उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। यानी वो तो थोड़ा मोड़ा कई बार लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, तो उससे कोई दिक्कत फर्क तो नहीं पड़ता घोड़े के? घोड़ों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई यानी दर्द वगैरह भी कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, घोड़े का लगाम थोड़ा मोड़ा लगता रहता है। ओके। जो दंगलबाज स्पोर्ट्स घोड़े होते हैं उनको रोकने में जब उसमें जोश आ जाता है तो कड़े लगाम भी डालने पड़ते हैं, हल्के लगाम भी डालने पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपके टाइम पे भी ऐसा होता था कि जैसे कि कोई घोड़ा था शैतान हो, मान नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा हो, और आप उसको कर देते हो, ऐसा होता था? बिल्कुल, बहुत होता था। बहुत बहुत घोड़े हमने ऐसे लिए हैं जो हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अच्छा, वो भी लेते थे हम, फिर उनको सही करते थे, कुछ प्यार से भी करते हैं, कुछ खिलाने की चीज होती है, घोड़ा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, चाहे कितना ही वो बदमाश घोड़ा हो। अच्छा, अगर उसको 10-15 दिन वो खिलाया पिलाया जाए, ऐसी जड़ी बूटियां हैं, घोड़ा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चाहे कुछ भी करते रहो। अच्छा अच्छा, यानी बिल्कुल डाउन हो जाएगा? बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और जो बिल्कुल डाउन है उसको गर्म भी हो जाते हैं। ओके ओके। ऐसा है कि मेरे पास एक घोड़ी थी, बात आपसे करते करते लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक घोड़ी थी, मेरे को बड़ा लगाव था उसके साथ, वो चलती बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा। और हम उस पे चढ़िया करते, उसका अंदाजे बयान चलने का बहुत अच्छा था, अदाकारी थी उसमें, बड़ा पैर उठा के और बहुत अच्छी चलती, डांस में अच्छी मस्त, वैसे रिवाल में बहुत अच्छी थी। रिवाल में भी घोड़े कोई पैर उठा के चलते हैं, कोई लंबा पैर रखते हैं, कोई अपने मतलब अदाकारी से चलते हैं, कोई कैसे चलते हैं, हर अलग अलग घोड़ों की वो होती है। ओके। तो उसके एक चोट लगी थी, मतलब वो हम उसके ऊपर राइड कर रहे थे तो उसको थोड़ी ठोकर लगी, तो उसका पीछे वाला जो ये है ना वो टूट गया था ऊपर से। अच्छा, विश्वा बोलते हैं जहाँ दोनों का ज्वाइंट होता है। ओके। तो हमने उसको बहुत कोशिश करी इधर उधर ठीक करने की, लेकिन हो नहीं पाई। मेडिकल लाइन में सब ने उसको कह दिया ये ठीक नहीं होती। ओके। के धारणा है पुरानी कि घोड़े का अगर हड्डी टूट जाती तो वो जुड़ती नहीं है। अच्छा, नहीं जुड़ती? हाँ, मैंने सुना है, कहते हैं। पर मेरे को आगे की आगे ऐसे करते कराते किसी ने बताया, बोले मेरठ के अंदर एक उस्ताद है, बहुत पुराना उस्ताद है, तो मेरे को बड़ा शौक था, मैं उसके पास चला गया। ओके। उसके पास 8-7 दिन रहा। ओके। ये घोड़ों का हड्डी का चपटे का बेर हड्डी का इलाज करना मैंने वहां से सीखा। ओके। फिर उसने मेरे को ऐसे तरीके बताए। अब अपने पास ऐसी एक आयुर्वेद दवाई है, नुस्खा है, अगर आदमी की हड्डी कोई टूट जाए तो 8 दिन में वो आदमी दोबारा चलने लग जाता है। कैसे? यानी टूट जाए हड्डी, सपोज करो यहाँ से तुम्हारा पैर टूट गया। ओके। उसको बांध दिया और 8-10 दिन वो दवाई खिलानी है। ओके। कोई प्लास्टर नहीं, कोई राड नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप 8-10 दिन में आदमी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें घोड़े में भी हो सकता है? घोड़े के लिए तो वो हमारे को बताया था उस्ताद ने। क्या है ऐसा नुस्खा? वो 6-7 चीज है, जड़ी बूटियां हैं। ओके। तो उसको मिला के उसको देते हैं। ओके। कहीं भी हो आप, मैं आदमियों को भी देता हूँ, यहाँ कोई आ जाते हैं। जड़ी बूटियों का नाम पता है क्या आपको? हाँ बिल्कुल पता है, मैं रोज यूज करता हूँ। तो एक बार बताएंगे? उसमें एक हटजोड़ बूटी होती है। ओके। मेहता लकड़ी होती है। ओके। लाख होती है, लाख कलंजा, लाख चिपड़ा, लाख पिपड़ा। ओके। तो एक उसमें होता है गूंद सवैया। ओके। ऐसा 5-6 चीज होती है। तो इनको क्या मिक्स करके, इनको मिला के, ओके, उनके उसका पाउडर बना के, ओके, उसको देते हैं आदमी को। अच्छा। यहाँ बहुत आते हैं मेरे पास, अभी भी आते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये राड जो हम लगाते हैं आदमियों के, ये टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, घोड़ों से अपन आदमियों पे आ गए। कोई नहीं है, वो ऐसे बोलते हैं इंसान भी बहुत सारों की हड्डी टूटी है, उनको भी फायदा मिलेगा। वही बता रहा हूँ आपको कि ये 10 साल से
15 साल से राड की तकनीक आई है, इससे पहले लोगों की हड्डियां नहीं टूटती थी, तो कैसे जुड़ती थी? वो तो है, इसी चीज से जुड़ती थी। अच्छा अच्छा, लोग जानते थे, हमारे बुजुर्ग पुराने नुस्खे पुरानी चीजें जानते थे, पहचानते थे, वो उसको यूज करते थे। अब आधुनिक सिस्टम हो गया, विज्ञान भी, विज्ञान ने बहुत तरक्की करी, हम विज्ञान को भगवान मानते हैं, हम उसको ठुकराते नहीं है। डॉक्टर बहुत बड़ी चीज है, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। तो आयुर्वेद भी बहुत बड़ी चीज है, घोड़ों में भी और इंसानों में, इंसान में भी। जो पाचन प्रणाली इंसान की है वही घोड़े की है। ओके, घोड़े के साथ ही इंसान का सिस्टम चलता है और इंसान के साथ ही घोड़े, बस खाली फर्क कितना है, घोड़ा बोल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता, घोड़ा जानवर में आता है, आदमी बताता है मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है, घोड़े का अंदाजा लगाना पड़ता है, अभी इसको क्या ये सीखना पड़ता है, ये चीज है।